हेलो स्टूडेंट्स, असि कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर है साडा थर्ड पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। सो जिसते असि पहले 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, सो हुण असि अपना क्वेश्चन करांगे 5th। सो एक्सरसाइज है साडी 3.2। सो क्वेश्चन की है साडे कोल, हाफ द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ जिहड़ा पैरीमीटर है उसकी लेंथ जिहड़ी है हूज लेंथ, सो रेक्टेंगल की लेंथ कह रहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर दैन इट इज विड्थ, उसकी लेंथ दे जिहड़ी लेंथ है उसकी विड्थ दे नालों 4 मीटर ज़्यादा है, सो इज 36 मीटर। सो ये 36 मीटर की है हाफ द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका जिहड़ा अद्धा पैरीमीटर है वह किन्ना है 36 मीटर। सो फाइंड द डिमेंशन ऑफ द गार्डन, डिमेंशन मतलब कि असीं लेंथ दे ब्रेथ जिहड़ी है वह फाइंड कर रहे हैं गार्डन दी। सो कहन तो की है स्टेटमेंट साडे को कि एक इस तरह का रेक्टेंगुलर साडे को गार्डन है ज आयताकार जिहड़ा बाग है। सो इसकी लेंथ की गल करिए इसकी लेंथ है साडे को जिसनों असीं कहिंदे हां लंबाई, सो यह है इसकी साडे को चौड़ाई होगी, ठीक है। सो यह भी साडे को इस तरह पैरल है तो इज इक्वल टू होणगियां, सो टू पैरल लाइनस लगाइया ने, इधर भी लगाइया तो मतलब कि इस साइड भी लेंथ है, सो यह ब्रेथ है इसकी। सो इसका जो पैरीमीटर है वह हाफ पैरीमीटर सानू दिता गया है 36 मीटर, सो इसका परिमाप अद्धा परिमाप सानू दे दिता गया है। सो सोल्यूशन देखते हैं कि असी फाइंड किस तरह करनी है कि लंबाई एग्जैक्ट कितनी है, चौड़ाई या ब्रेथ जिहड़ी है या विड्थ है वह एग्जैक्ट विच कितनी है। सो सब तो पहले असी पैरीमीटर की गल करिए, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, सो जिहड़ा पैरीमीटर है साडे को रेक्टेंगुलर गार्डन का वह साडे को हाफ दिता गया है, ठीक है। सो इत्थे लिख देंगे हाफ पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36 मीटर। सो हुण असीं पैरीमीटर इकले का फॉर्मूला लगाइए, बट इत्थे लिखते असीं बट लिख लिए असीं आयताकार बाग दा अद्धा परिमाप, सो अद्धा परिमाप साडे को दिता गया है। सो अद्धा परिमाप देखो मतलब कि परिमाप की हुंदा है, पैरीमीटर की हुंदा है। सो साडे को किन्नियां साइड्स हन इसदियां, एल ए है ते बी ए है ते ए भी बी है, सो 4 साइड हन साडे को। जेकर असीं इहनां 4 ही साइड्स नूं प्लस कर दईए, ऐड कर दईए, जोड़ दईए आपस विच, तां साडे को इसदा परिमाप जां पैरीमीटर जिहड़ा उह फाइंड हो जांदा है। सो कहण दा की साडा मीनिंग है, एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी, सो असी चारों ऐड कर दिए तो साढ़े को इसका पी जिहड़ा पैरीमीटर निकल आता है, ठीक है। सो जेकर हाफ की गल करिए मतलब कि साढ़े को एक लेंथ रह जाएगी एक ब्रेथ रह जाएगी, ठीक है, एल प्लस बी इस तरह रह जाएगा साढ़े को, ठीक है। सो पी की हो जाएगा साढ़े को पी बाय टू, सो हाफ पैरीमीटर की आ जाएगा एल बाय एल प्लस बी। सो हम असी हाफ तो साढ़े को है 36 मीटर असी लिखा है, बट पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 एल प्लस बी पर आयत का परिमाप हुंदा कितना है साडे को 2 एल प्लस बी, ठीक है। सो देयरफोर हाफ पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो इसलिए अद्धा परिमाप जो अद्धा परिमाप होएगा वो की होएगा, सो 2 एल प्लस बी। सो किसी भी वैल्यू का किसी भी चीज़ का हाफ करना हो इसको 2 ना डिवाइड कर देंगे, सो 2 ना भाग करते हैं, ये हो गया साडे को कैंसल हो गया, तो साडे को कितना आ गया एल प्लस बी। सो देखो इस तरह भी साडे को एल प्लस बी आ गया ना, इस तरह भी एल प्लस बी आ गया साडे को। हुण जिहड़ा एल प्लस बी है साडे को हाफ पैरीमीटर दिता है, सो देयरफोर एल प्लस बी है जिहड़ा साडे को ये कितना आता है 36 मीटर हाफ दिता गया है। सो हुण असीं फाइंड करना है अपनी रेक्टेंगुलर गार्डन की जां आयताकार बाग की लंबाई ते चौड़ाई एग्जैक्ट विच कितनी है। सो इसलिए असीं लिखते हाँ इत्थे लिख लो स्टेटमेंट, सो लिख लैंदे हां इफ लेंथ इज एल एंड
ब्रेथ और विड्थ इज बी। सो जेकर असी लिखे है जेकर लंबाई एल अते चौड़ाई डी होवे ता साडे कोल की आंदा है वेखो ओरा ध्यान नाल समझना है। सो देखो जिहड़ी लेंथ है साडे कोल लंबाई है 4 मीटर मोर दैन हाइट दी ब्रेथ दे नालों। सो इस दे नालों 4 मीटर ज्यादा की है लेंथ। जेकर ए साडे कोल मान लो कि बी है तो एल की हो जाएगी साडे कोल इज इक्वल टू बी प्लस 4। सो एल बी प्लस 4 हो गई क्योंकि एल की है इहदे नालों 4 ज्यादा है। सो असीं इस दे विच 4 प्लस कर दांगे तां साडे कोल एल दी वैल्यू जिहड़ी ओह निकल आवेगी। क्लियर। सो देयरफोर साडे कोल आ गया L is equal to B plus 4। और इतने लिख लेंगे असं बिकॉज ऑफ लेंथ इज 4 मीटर मोर दैन ब्रेथ क्योंकि लंबाई चौड़ाई नालों 4 मीटर ज्यादा है। सो यह आ गया साडे को। सो इस तो बाद साडे को आंदा एल माइनस बी। असीं बी नूं इस साइड ते लै आंदे आ। सो वेरिएबल एक साइड ते करते तां साडे को ए आ गया इज इक्वल टू 4। सो साडे को दो जिहड़ियां के इक्वेशनस आ जांदियां ने, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हुण इन्हां दोवां इक्वेशनस नूं असीं सॉल्व करना है। सो सॉल्व असीं करन दे लई की करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो एक इक्वेशन दे विचों दो दूसरी इक्वेशन असीं माइनस करदे हां। सो पहली क्वेश्चन है साडे को एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। सो इस तो असीं माइनस की करना है सैकेंड इक्वेशन। सो ए लिख लिया असीं एल प्लस बी, इस चो माइनस कर दो एल माइनस बी। सो पहली क्वेश्चन असीं लैफ्ट हैंड साइड देखो खब्बा पासा जिहड़ा खब्बे पासे चो खब्बा पासा लैफ्ट हैंड साइड चो लैफ्ट हैंड साइड माइनस कर रहे हैं। सो इज इक्वल टू 36 माइनस 4। सो एल प्लस बी माइनस एल माइनस बी ब्रैकेट विच रखना है। सो 36 माइनस 4 आ गया साडे को, 36 माइनस 4 आ गया। सो इतने ब्रैकेट ओपन करते हैं एल प्लस बी माइनस एल प्लस बी। सो साइन साडे को चेंज हो गए बाहर ब्रैकेट तो माइनस ही इस करके। सो 36 माइनस 4 आ गया 32। सो इतने साडे को एल नैगेटिव एल पॉजिटिव कैंसल हो गया। सो बी प्लस बी कितना हो गया साडे को 2b इज इक्वल टू 32। सो बी फाइंड करते हैं 32 साडे को 2 जिहड़ा इस साइड से डिवाइड हो गया। सो 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 3 = 32। सो 16 × 32 होंगे साडे को। सो इसलिए साडे कोल सो देयरफोर बी इज इक्वल टू आ रहा साडे को 16 मीटर। सो बी इज इक्वल टू 16 मीटर पुट इन फर्स्ट। सो इसको फर्स्ट इक्वेशन में भरते हैं, इस इक्वेशन में भरेंगे बी की वैल्यू। इक्वेशन साडे को आ गया एल प्लस 16 इज इक्वल टू 34। सो एल आ जाएगा साडे को 34 माइनस 16। सो एल आ गया साडे को 18 मीटर। सो ए साडे को एल आ जाती है और ए साडे को बी आ जाता है। सो दोवें साइड्स जिहड़ियां साडे को फाइंड हो जांदियां हन। हुण देखो साडे को एल प्लस बी, जेकर असीं एल प्लस बी करदे सी तां साडे को पैरीमीटर हाफ आंदा सी जो साडे को किन्ना सीगा 34 मीटर। सो जेकर असीं एल ते बी जो भी आंसर निकले हन उहनां नूं प्लस करिए तां साडे को किन्ना आना चाहीदा 34। ठीक है, क्योंकि साडे को 36 दित्ता गया है। साडे कोल है ए 36। सो कित्थे मिस्टेक होई कितें साडे कोल 36 मैंने 4 इतने साढ़े को 34 आना। ठीक है, हाँ 34 आ गया। सो इधर भी 34। सो 17 आ गया। ठीक है, 17 × 34। सो 17 आया। हुण इतने 17 नूं असीं वैल्यू नूं पुट करते हाँ अपने इस इक्वेशन च। ठीक है, फर्स्ट च पुट किया असीं तां साडे कोल की आया इधर 17 माइनस करांगे। सो 17 ही साडे को आंसर आ जांदा। माइनस करके 34 माइनस 17 साडे को एल किन्ना आ गया 17। सो थोड़ा जिहा ध्यान रखना, माड़ी मिसटेक हुई सी साडे को थोड़ी जी, असीं उह करैक्ट कर ली है। सो 34 आ गया। ठीक है,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ l plus b ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮਾਈਨਸ l plus b ਹੋ ਗਿਆ is equal to 36 minus 4 32 ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ l ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ b plus b ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ 2b is equal to 32 ਸੋ b ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ 32 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 2 1 ਦਾ 2 2 6 16 ਦਾ 32 ਸੋ 16 ਦੂਣਾ 32 ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ देयर फोर ਸਾਡੇ ਕੋ b ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 16 ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ b 16 ਮੀਟਰ ਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ b is equal to 16 ਪੁੱਟ ਇਨ ਫਸਟ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਭਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋ l ਪਲੱਸ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ 16 ਆ ਗਿਆ is equal to ਆ ਗਿਆ 36 ਮੀਟਰ ਸੋ l ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ 36 minus 16 ਸੋ l ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ 20 ਮੀਟਰ ਸੋ l ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋ 20 ਮੀਟਰ ਐਂਡ ਤੇ b ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋ 16 ਮੀਟਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ l ਪਲੱਸ b ਸਾਡੇ ਕੋ ਹਾਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸੀ ਸੋ p ਬਾਈ 2 ਹਾਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 36 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 36 ਤੇ l ਪਲੱਸ b ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ l ਤੇ ਪਲੱਸ b ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋ l ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ 20 ਐਂਡ b ਕਿੰਨਾ ਹੈ 16 ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ 36 is equal to 36 ਸੋ देयर फोर ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਸ l ਐਂਡ b ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 5th ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ